3 अक्टूबर 2024 को एक दुखद घटनाक्रम में थाना सिरसागंज के औरवा भवानी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और तत्काल जो है घटना पर सभी उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, फील्ड यूनिट को बुला करके वहां पर साज संकलन की कार्रवाई की गई। ये बात प्रकाश में आई कि वहां पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री या लूटपाट या इस तरह की वारदात करने के इरादे से अभियुक्त द्वारा कार्रवाई कर ये घटना कारित नहीं की गई। तत्काल घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई। वो गंभीरता से घटना में जो अभियुक्त शामिल था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब SDFP गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्या दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना से उत्तरगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे, इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलाह प्रयोग किया गया वो बराबर अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UB32BU54576 है उसको प्रयोग में लाया गया था। चूँकि अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है, आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा असलाह की बरामदगी और जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसका प्रयोग करके वो घटनास्थल तक आया था और घटना करने के बाद घटनास्थल से फरार हुआ था वो कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।